ये 80 पैसा, ये तारीख 80 पैसा, ये तारीख 80 पैसा, ये तारीख 80 पैसा, ये सर ये 80 पैसे का मुहूर्त क्या है, मैं ये समझा नहीं। टंटा खत्म करिए, 100 रुपए वाला पेट्रोल सीधा कहिए 150 रुपए, टंटा खत्म हो ना सर। अब ये 80 वाला मुहूर्त नहीं समझ पा रहा मैं, ये थोड़ा सा प्लीज समझाइए। कभी भी देश को, देशवासियों को या आपको या विपक्षियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी एक विपदा के रूप में आई। श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वैसे तो पूरे मुल्क में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में कोरोना आया, जैसे कि आपने भी बताया मुझे और मुझे भी पता चला कि पूरी दुनिया में कोरोना आया। मैंने इन मुल्कों का जिक्र इसलिए किया कि श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी देश हैं, इन पड़ोसी देशों में भी कोरोना का काल आया, अर्थव्यवस्था चौपट हुई। यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम 62 रुपए से 65 रुपए तक हैं, हम 101 रुपया दे रहे हैं। सर ऐसा क्यों? पड़ोस के मुल्क पाकिस्तान में क्या रेट है जरा वो भी जिक्र कर दीजिए। पाकिस्तान ही क्यों दिखाई देता है आपको? श्रीलंका भी है, भूटान भी है, अफगानिस्तान भी है। पाकिस्तान में क्या रेट है चावला? ज्यादा सूटेबल होता है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों? छोड़ो पाकिस्तान, पड़ोस के देश में पाकिस्तान में क्या रेट है चावला भाई, जरा वो भी जिक्र कीजिए। सर 62 से 65 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वहां पर भी तो कोरोना आया, मैं ये पूछ रहा हूँ सर। के अंदर महंगाई होती तो, हाँ महंगाई होती तो देश, महंगाई अगर देश के अंदर होती तो ये 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जनादेश, देश की जनता, प्रदेश की जनता नहीं देती। अच्छा, क्योंकि देश मतलब और प्रदेश की जनता जागरूक है। मैं सिर्फ एक लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूँ जो आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूं कि जीएसटी, ऑयल बॉन्ड, कितना भारी भरकम शब्द है वो, 90% लोग जानते ही नहीं है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। मैं इस बात पे इसलिए कह रहा हूं प्रेम सर क्योंकि वो 80 करोड़ लोग हैं जिसे हम राशन देते हैं, जो त्यागी जी बता रहे थे मुझे, अब उनसे ऑयल बॉन्ड पूछ लो आप, अगर वो बता दे तो मैं मान जाऊं, अब उसे ऑयल बॉन्ड पता ही नहीं, वैट और कैट पता ही नहीं। हम उसको कह रहे हैं कि बेटा सुबह आंकड़े को घोल कर सुबह पीले नाश्ते के साथ और अपने बच्चों को भी दोपहर के खाने के साथ यही घोल पिला दियो, यही आंकड़ा, ये ऑयल बॉन्ड वाला। मैं ये कह रहा हूं साहब, उस गरीब आदमी को क्या पता मनमोहन सरकार में क्या था और मोदी सरकार में क्या था, गरीब आदमी तो गरीब पिस रहा है ना साहब। वो 100-200 लोग जो सिर्फ अमीर अमीर रह गए और गरीब गरीब हो गए, अगर ऐसा ना होता तो 80 करोड़ लोगों को आज राशन के लिए कतार में ना खड़ा होना पड़ता। खान साहब मैं ये कह रहा हूं, जीती 2019 में क्यों आज कांग्रेस, मुझे तो बड़ा हास्यपद लगता है कि कांग्रेस ये बौखला गए, संजय जी बौखला गए, सिमट कर संजय जी बौखला गए, क्षेत्रीय दलों से भी बुरी स्थिति बद से बदतर आपकी हो गई। आपने जनता की क्या स्थिति की है बताइए ना, जनता की आपने क्या स्थिति की है बताइए ना। 600 का तेल 200 रुपए बेच रहे हैं आप, सरसों का तेल 200 रुपए बेच रहे हैं आप, जनता की क्या स्थिति की है बताइए ना। हमने, आप कह रहे थे फिल्म टैक्स फ्री कर दो, पूरे देश में टैक्स फ्री कर दो, नहीं ये सर सवाल ले लीजिए भाव है सर, इसके पीछे भाव है, सवाल तो ले लीजिए। मैं कह रहा हूं कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी आपके साथ हूं, कर दो, लेकिन पेट्रोल डीजल सिलेंडर तीनों को टैक्स फ्री कर दो। अब इसके पीछे लॉजिक सुनो, अगर आप एक्सरसाइज ड्यूटी हटा देंगे, जो बता रहे थे ना मुझे आप अर्थशास्त्र, अगर आप इससे एक्सरसाइज ड्यूटी हटा देंगे तो वैट अपने आप खत्म हो जाएगा, ये टैक्स फ्री कर दो, पूरे देश के लिए भला हो जाएगा। त्यागी जी हो सकता है चावला भाई देश इस वक्त एक मजबूत हाथों में है, मजबूत नेतृत्व में है, देश में टैक्स फ्री जो भी उचित कदम होगा। ये जो टैक्स फ्री कर रहे थे आप फिल्म को, मैं कह रहा हूं इनको भी टैक्स फ्री कर दो। नहीं, टैक्स फ्री अगर फिल्म, अगर कांग्रेस का काला सच देश के सामने आ रहा है तो इन्हें दर्द क्या है टैक्स फ्री में? क्या इससे पहले फिल्में टैक्स फ्री नहीं की कांग्रेस ने? सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल की बात कर रहा हूं। कांग्रेस ने
सर फ्री नहीं की फिल्म है। मैं पेट्रोल डीजल महंगाई की बात कर रहा हूँ। चावला भाई आप भी, मुझे लगता है आपने कहा ये कोरोना काल महामारी, कोरोना काल की वजह से अर्थव्यवस्था बिगड़ी और सब चीजें, मैं मान गया। लेकिन मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए बस। मुझे कोई एक नेता, एक अधिकारी, एक विधायक, एक सांसद, कोई आपके यहां का जिलाध्यक्ष भी चलेगा जिस पर इस महंगाई का फर्क पड़ा हो। मेरे सवाल ध्यान से समझिएगा, एक अधिकारी, एक मंत्री, एक विधायक, एक सांसद, आप ही का जिलाध्यक्ष जिस पर महंगाई का असर पड़ा हो, है कोई? नहीं है ना। फर्क पड़ा किस पर? अडानी अंबानी पर नहीं, वो गुड्डू बबलू बबली पर। वो आंकड़े घोल कर नहीं पिएंगे, मैं गलत बोल रहा हूं त्यागी जी? देखिए चावला भाई, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, बार बार इस बात को कह रहा हूं कि देश की जनता और राज्यों की जनता, राज्य भी देश के अंदर आते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश की जनता जागरूक है, देश की जनता समझदार है, देश की जनता को पता है। आप मेरे सवाल को, आपने कहा 1962 में भी महंगाई थी, मैंने मेरे प्रश्न को ध्यान से समझिएगा इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं। 1962 का जिक्र आपने कर दिया, अच्छी बात की जी। इस देश में, इस दुनिया में दूसरा लाल बहादुर शास्त्री पैदा नहीं हुआ, ना होगा, जिसके कहने से पूरा का पूरा देश एक वक्त का खाना छोड़ दे। समझ रहे मेरी बात? इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जैसा नेता पैदा नहीं हो सकता कि जिसकी नियत और नीति पर किसी को संदेह ना हो और उसके एक आह्वान पर एक वक्त का खाना जनता छोड़ दे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आज की स्थिति यह है, मैंने इसलिए आपसे कहा आपका कोई जिला अध्यक्ष, आपका नेता, आपका मंत्री, आपका विधायक, आपका सांसद, आपका अधिकारी जिसके ऊपर कोरोना की मार पड़ी हो, कोई नहीं है। आप लोग अनार का जूस पिए, आप लोग मतलब जो नेतागण है उसमें सब शामिल है, आप लोग अनार का जूस पिए और देश को कहो कि कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ। मेरी बात को समझे त्यागी जी? ये हकीकत है आम जनता की। त्यागी जी, जी आवाज चावला भाई, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आधी आवाज आपकी कट रही है, सर पूरी बात मैं सुन नहीं पाया। मैं यही बता रहा था, लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र कर रहा था। हकीकत यह है कि ज्ञान देने वाले नेता बहुत हैं, लेकिन यही ज्ञान शाम की पार्टियों में नहीं दिखाई देता मुझे। जैसे इंद्र की सभा लगती है ना, वैसे ही नेताओं की सभा लगती है चावला भाई शाम के वक्त। नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रही है, मैं आपको सुन नहीं पा रहा। आप गरीब को समझा रहे हो भैया ऑयल बॉन्ड, गरीब को समझा रहे हो ऑयल बॉन्ड। सर ये ऑयल बॉन्ड घूट कर पिएगा क्या? वो ग्लोबल क्राइसिस, एक क्राइसिस मुझे बता दो जो नेताओं के ऊपर आया हो, अधिकारियों के ऊपर आया हो। सर ऑडियो चला जाता है ऐसे में, मैं जानता हूं ऑडियो चला गया, जनता को लूट रही है लोग। ग्लोबल क्राइसिस बता रहे हो जनता को, ग्लोबल क्राइसिस। आज तक आपकी आवाज नहीं आ पा रही त्यागी जी, आप एक घंटे में आवाज चली गई। मुझे एक नेता बता दो कौन अधिकारी, नेता, मंत्री, संतरी है चावला भाई, ग्लोबल क्राइसिस आया हूं, आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ पा रही। हाँ यही दिक्कत है। कई नेता होते हैं ना हमारे, बड़े बड़े नेता, कहते हैं कितने दूं, वो कहते हैं 2000 करोड़, वो कहते हैं 3000 करोड़ लो। 3000 करोड़ कम है? 4000 करोड़ लो कम है? पूछते हैं सामने से कम है, वो कहते हैं हाँ, कह रहे हैं फिर 10000 करोड़ लो, 10000 करोड़ लो। तो वो जो गरीब सामने खड़ा हुआ है, वो 80 करोड़ राशन वाला सामने जो खड़ा हुआ है, उसको क्या लगता है? उसको लगता है कि भैया इतना पैसा है देश में, नेताजी आए बोले कितने चाहिए पूछो, हमने बोला 6, उन्होंने कहा 10 लो। सोचिए कितना पैसा है देश में कि नेताजी ने 6 मांगे 10 दे दिए। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वही अर्थशास्त्र याद आ जाता है सबको, वही तख्ती देखो, ऑयल बॉन्ड गूगल से निकालेंगे, देखो तख्ती बना के, ये ऑयल बॉन्ड साइन हुए थे,
आप उसी को समझा रहे हैं जिसको कह रहे थे कितने चाहिए, 6 चाहिए, तू 10 ले। कच्चा तेल भारत आयात करता है, बाहर से आता है, केंद्र सरकार उसकी कीमतें तय नहीं करती। चुनाव से ठीक पहले सर, लगभग 4 माह पहले, मैंने सुना नहीं, कौन नहीं तय करता सर कीमतें? मेरी बात सुनिए सर, जो सर जनता हंस रही होगी, कम से कम सर अभी आप अगर मुझे नहीं, आप सुनिए तो सही, आप भी अब आपको पता नहीं ये बीमारी कहां से लग गई विपक्षियों के प्रवक्ता की, अब ये विपक्षी नहीं सुनते हैं, आप भी नहीं सुन रहे हैं। अच्छा मतलब भाई आप कोई सवाल कर रहे हैं तो कम से कम सुनिए तो सही कावला भाई, आप एक गैर गंभीर पत्रकार है, तेज तर्रार पत्रकार है, कृपया मुझे या तो 2 मिनट का 5 मिनट का जो आपको उचित लगे वो समय तो दीजिए सर प्लीज प्लीज। जब चुनाव 2014 से पहले बाबा रामदेव जी आजकल हरिद्वार में पीपल के पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं, ठंडी छांव, 2014 से पहले वही बाबा रामदेव हरिद्वार में नहीं दिल्ली के रामलीला मैदान पर होते थे, और आज एक पत्रकार को डांट रहे थे मैंने देखा, समझ रहे मेरी बात, उनको क्या कह रहे थे मैं अभी वो चला भी नहीं सकता, खूब डांट रहे थे जोर से, मतलब कुल मिलाकर ये है पिसेगी जनता।